Welcome to my channel. My name is Sachin and I hope you all are fine. So dear boys and girls, आज हम लोग बात करेंगे JMAIN 2024 first session के guidelines के बारे में। आप लोगों का 27 से exam है, तो सबसे पहले आप सभी को all the best। तो आज हम लोग guidelines के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा चीज आपको लेकर जाना है, किस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है, तो ये सारी चीज पे हम लोग बात करेंगे। ड्रेस कोड क्या होगा, इंपॉर्टेंट पूरा इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन फ्यूचर आप लोग जेईई से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। जब तक आप लोग का एडमिशन नहीं होता है, यानी जब तक आप लोग कॉलेज अलॉट नहीं होता, आप लोग इस चैनल से बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में आप लोग के साथ बात करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स तो अच्छा आता है, लेकिन वो गलत कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज उनका कोई बेटर गाइडेंस नहीं मिलता है। तो इसी के लिए मैंने आप लोग के लिए एक हेल्पलाइन कॉलेज इंक्वायरी बोलकर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग को हर एक कॉलेज का इंक्वायरी आप लोग कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पर इंडिविजुअली कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो साउथ आप लोग का SRM हो, रमैया हो, दिल्ली में आप लोग का गलगोटिया हो, वेस्ट बंगाल में आप लोग का IIM टेक्नो हल्दिया हो, बहुत सारे। मैं यहाँ कोई इंडिविजुअली कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया जितना भी कॉलेज है, इंजीनियरिंग हो, आप मैनेजमेंट के भी इंक्वायरी कर सकते हो, BBA हो गया आप लोग का, MBA हो गया, MCA हो गया, इस सारे कोर्स का अगर आप लोग कॉलेज इंक्वायरी करना है तो आप उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज आप लोग से नहीं लिया जा रहा है, और आप लोग को ज़रूर फिलअप करना चाहिए। ऐसे तो मैं हर एक कॉलेज का कॉलेज रिव्यू करूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 10 मिनट के 5 मिनट के वीडियो में मैं आप लोग का हर एक का डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आप अपना इंडिविजुअली जो भी आपका डाउट है ना, हमारे एक्सपर्ट से आप लोग डायरेक्ट फोन कॉल पर बात कर सकते हो। बस आप लोग कॉलेज इंक्वायरी का फॉर्म फिलअप करना है, फिर हमारे एक्सपर्ट्स आपको कॉल करेंगे, आपका जो भी डाउट है ना आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट पूछ सकते हो, और जरूर आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, डाउट को आप लोग जरूर से राइज करो, बिकॉज यहाँ से आप लोग का फ्यूचर बनेगा, कैरियर बनेगा, तो डाउट तो जरूर राइज करो। और जो भी डाउट्स है, ये मत सोचो कि सीरियस डाउट से मैं पूछूं या नहीं पूछूं, जो भी डाउट है आप लोग हमारे एक्सपर्ट से पूछो, उससे पहले आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, और वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइडेंस आपको दिया जाएगा, एक बेटर गाइडेंस दिया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग गूगल फॉर्म यानी कॉलेज इंक्वायरी का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग जरूर से फिलअप कीजिएगा, आप लोग को वहां से फ्री आप लोग गाइडेंस मिलेगा, तो उसको जरूर से फिलअप कीजिएगा, और इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज, जे मेन्स, WBJEE से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप लोग को मिल रहे होंगे, तो मेक श्योर आप लोग फॉर्म और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब हम लोग अपने पॉइंट्स में आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस है ना, ये आप लोग जे मेन्स को ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर रीड कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। तो देखो ये है आप लोग का इंपॉर्टेंट गाइडेंस जे मेन्स का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इसमें मेंशन है, वो आप लोग का एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ना आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, जैसे कि आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम हो गया, गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर हो गया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख लेना, फिर शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ टेस्ट, वेन्यू ऑफ टेस्ट। तो ये चीज आप लोग आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना, उसमें अपना टाइम से पूछिएगा। थर्ड पॉइंट है कि विजिट योर, आपका जब भी विजिट करोगे अपना टाइम जो है आप लोग का, उस रिपोर्टिंग टाइम में ही आप लोग विजिट कीजिएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स वेर एडवाइज टू रजिस्टर थ्रू जो बच्चे डिजी लॉकर से रजिस्टर किए हैं, और जो डिजी लॉकर को लेकर जो डिजी लॉकर से रजिस्टर किए हैं और डिजी लॉकर से रजिस्टर नहीं किए हैं, उनको एक घंटा पहले आना है, ठीक है। और जो आधार कार्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किए हैं, उनको क्या करना है, एक घंटा पहले आना है एग्जामिनेशन सेंटर में, वो बायोमेट्रिक्स आप लोग का लिया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे आधार कार्ड के जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट नहीं किए हैं, उनको एक घंटा पहले आना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग का लिखा, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज रीच द वेन्यू टेस्ट। तो इसमें भी आप लोग को वही है कि 5 नंबर पॉइंट में कि आप लोग का रिपोर्टिंग पॉइंट्स, जो भी आप लोग का रिपोर्टिंग टाइमिंग है ना, उस टाइम में आप लोग वहाँ पर पहुँच जाना है। और उसके बाद आप लोग जब जाओगे एग्जाम देने, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो आपको आप लोग डाउनलोड कर लोगे, वो आप लोग का A4 साइज का पेज में होना चाहिए, और वो आप लोग कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड होना चाहिए वो एकदम कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग का 1 फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 1 पासपोर्ट साइज आप लोग का फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है।
और वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों का एक ही रहेगा और वैलिड फोटो आईडी प्रूफ रहना चाहिए, ठीक है। और वो ओरिजिनल रहना चाहिए, जैसे कि आप लोगों का पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ आप लोग को लेकर जाना है, जो भी है आप लोग इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। सिर्फ अपना क्लास 12 का एडमिट कार्ड को लेके जा सकते हो, ठीक है, स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड को लेके नहीं जा सकते हो, सिर्फ आप क्लास 12 का एडमिट कार्ड को आप लोग कैरी कर सकते हो, हो गया। इसके बाद आप लोग का द कैंडिडेट सोल्ड, जो भी आपका, जो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप अपना मीडियम देख लेना कि किस मीडियम में आप लोग का पेपर है। जब आपने रजिस्ट्रेशन टाइम इंग्लिश में सिलेक्ट किया था, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में किया था तो हिंदी में होना चाहिए, वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर उस मीडियम में नहीं है तो आप अपना इंजुलेटर को बोल सकते हो कि ये, तो आपका जो सिस्टम है वो चेंज कर देंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद कुछ है जो आप लोग को लेकर नहीं जाना है, आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, हैंड हो गया, पर्स एक्सेट्रा, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गया, फोन्स हो गया, गैजेट, जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो गया, ये सब आप लोगों को लेकर नहीं जाना है, ठीक है। ये सब लेकर आप लोग मत जाइएगा। फिर जब आप कैंडिडेट, जब आप लोग को ब्रेक मिलेगा टॉयलेट में जब जाओगे, तो फिर से आप लोग क्या करें, मैंडेटरी है कि आप लोग को फिर से बायोमेट्रिक अगेन आप लोग को फिर से देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या देखना, एक तो ब्लैंक पेज आप लोग को मिलेगा, A4 साइज का आप लोग को एक ब्लैंक पेज मिलेगा, उसमें आप लोग को पूरा रफ वर्क करना है, ठीक है। उस ब्लैंक पेज में क्या करना, आपका नाम और आपका रोल नंबर लिखना होना चाहिए, मस्ट राइट द नेम एंड द रोल नंबर, जो भी टॉप में क्या कीजिएगा, अपना नाम और अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, और जब आप लोग जब एग्जाम देने के बाद आप लोग जाओगे ना, तो उसको आप लोग वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग को सबमिट करना है, इसको घर लेकर मत चलिएगा, उसको आप लोग क्या करना है, वहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को एडमिट कार्ड जो आप लोग को मिलेगा, जो आपके एडमिट कार्ड रहेंगे, वो भी आप लोग को वहाँ पर एग्जामिनेशन सेल में, एग्जामिनेशन सेंटर में क्या करना है, वो आप लोग को सबमिट कर देना है, वो भी आप लोग घर में लेकर नहीं जाना है। अटेंडेंस टाइम आप लोगों को फोटोग्राफ जो रहेगा ना, वो आपका बेस्ट होगा अटेंडेंस टाइम में, तो फोटोग्राफ आप अपना दे दीजिएगा, फोटो कॉपी जो आप एक ठो लेके जाएंगे वो अटेंडेंस टाइम में आप लोगों का काम आ जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद आप लोगों का जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो ये सब कैरी कर सकते हैं, लाइक शुगर टैबलेट हो गया, फ्रूट्स लाइक बनानाज, एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा, ये सब आप लोग कैरी कर सकते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर आप लोगों को ध्यान देना है, और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो और सबसे ड्रेस कोड के लिए कोई ऐसे इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ड्रेस कोड को लेकर ऐसा कुछ है नहीं कि ये आप लोग पहन के जा सकते हो नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप स्लीपर पहन के जाएगा, ऐसा नहीं कि जूता अगर शूज वगैरह आप लोग पहन के जाओगे ना, तो चेकिंग में बेकार में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो स्लीपर, टी शर्ट, जीन्स, ये सब आप लोग पहन के जा सकते हो। तो कपड़ा में ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग ये पहन के जा सकते हो नहीं जा सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा, तो सिंपल आप लोग स्लीपर, टी शर्ट, जीन्स, ये सब पहन के जाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। और सबसे देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि आप लोग क्या क्या जो है ना लेकर जाना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर पॉइंट जो आप लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग का एडमिट कार्ड है जो आप लोग का A4 साइज का होना चाहिए और कलर होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं मैं ब्लैक एंड व्हाइट कराऊँ या कलर होना चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली जो है मेंशन कर दिया कि कलर प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज में। दूसरा, आप लोग का एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा, और एक वैलिड आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, विद फोटोग्राफ, उसमें आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, ये ले लीजिए। नहीं तो क्लास 12 का आप लोग एडमिट कार्ड भी ले सकते हो, और सिर्फ क्लास 12 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का एडमिट कार्ड मत लीजिएगा, ओनली क्लास 12 का एडमिट कार्ड लीजिएगा, और स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आप लोग आईडी कार्ड लेकर मत जाइएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ, ये चीज़, तीन चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीन चीज़ अगर आपके पास नहीं रहा तो आपका एग्जाम नहीं देने देंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आप लोग एकदम मैंडेटरी आप लोग एकदम लेके जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट एकदम कैरी मत करना, बैग वैग ये सब अपने रिक्स में आप लोग लेके जाओगे, मोबाइल फ़ोन ये सब अपने रिक्स में ले जाओगे, आप लोग सेंटर के बाहर में रख सकते हो। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेक श्योर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इन फ्यूचर आप लोग को जेईई से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।